हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी की इस श्रृंखला में संधि का दूसरा प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं। चलिए आज हम लोग संधि के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे जो पिछले कई सारे एग्जामों में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चन नंबर एक। और यह क्या है? क्वेश्चन नंबर एक कहता है दैत्यारी। या जो दैत्यारी है, दैत्यारी में कौन सी संधि है या समझते हैं, या इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो जो दैत्यारी है, इसका संधि विच्छेद होगा दैत्य प्लस अरी, और यहाँ से निकलेगा छोटा आ, यहाँ से निकलेगा छोटा आ, दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएगा, और संधि क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी भाई? दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, धरेश है। तो धरेश क्या है? तो धरेश में इसका संधि विच्छेद हो जाएगा धराधन ईस, धराधन ईस हो जाएगा, और यह संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी, क्योंकि दीर्घ संधि की जो पहचान होती है इसमें बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है। गुड़ संधि की पहचान क्या होती है, यहाँ पे सिंगल चुनाई और यहाँ पे सिंगल चुनाई, और यहाँ पे आर का कॉन्सेप्ट आता है, यह कॉन्सेप्ट गुड़ संधि का होता है। इसी तरीके से कह रहा है भाई, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इत्यादि। इत्यादि में कौन सी संधि है, ये हो जाएगा इति धन आदि। ये क्या हो जाएगा? इत धन आदि। अब इति धन आदि हो जाएगा, और आपका यह संधि कौन सी होगी, ये आपकी संधि होगी यण संधि। और आपको बताया गया था यण संधि क्या होती है मेरे भाई, या रा लावा के पहले यदि आधा व्यंजन आता है, या रा लावा के पहले यदि आधा व्यंजन हो, तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वहाँ पे संधि कौन सी होती है भाई, यण संधि होती है। इसी तरीके से पवित्र, पवित्र को पो प्लस इत्र लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पो प्लस इत्र, मतलब इसका संधि विच्छेद पो प्लस इत्र होता है, ये हो जाता है पवित्र। और यहाँ पे संधि कैसी होगी भाई, यहाँ पे संधि होगी कैसी, आयाति संधि होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसकी पहचान ए आय आओ आओ, इसकी पहचान क्या होती है, ए आय आओ आओ। इसी तरीके से पवन की बात करेंगे, तो पवन में भी संधि कौन सी होती है, पो प्लस अन की होती है, और यह जो संधि होती है अयादि संधि होगी। इसी तरीके से श्रवण, श्रवण में क्या कह रहा है, श्रोधन अन, श्रोधन अन श्रवण, ये भी आपका अयादि संधि का एग्जाम्पल होगा, अयादि संधि का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मेरे भाई अयादि संधि में आपको बताया गया था कि ए आय औ औ का यदि कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, तो वहाँ पर जो संधि होती है, वहाँ पर संधि अयादि संधि होती है। जैसे पावन, पव पव, इसका मतलब अव आ रहा है। इसी तरीके से श्रावण, इसका मतलब श्रव श्रव, अव आ रहा है। ये इसी तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे नयन कह रहा है, तो नयन में ने धन अन आ जाएगा, मतलब नय नय, इसका मतलब यहाँ पे अ आ रहा है, और जहाँ पे अ आए अव आव आता है, वहाँ पे संधि अयादि होती है भाई। इसी तरीके से नायक में क्या हो जाएगा, नय प्लस अक हो जाएगा, यहाँ पे नायक, ये भी अयादि संधि। पावक में पव धन अक हो जाएगा, और पावक भी आपकी अयादि संधि का एग्जांपल होता है। क्या होता है भाई, अयादि संधि का एग्जांपल होता है। क्या बातें समझ पाए, चलिए आगे की ओर चलते हैं। लिखा है क्वेश्चन उज्ज्वल, उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो ये भाई हो जाएगा उत, और ये हो जाएगा क्या आपका, ज्वल। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन में टूट रहा है, और इसके व्यंजन के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब यहाँ पे संधि कैसी हो जाएगी भाई, व्यंजन संधि। इसी तरीके से कह रहा है परोपकार, परोपकार की बात करेंगे, ये यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो पर प्लस उपकार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार। और आपको बताए थे यदि ये सिंगल ए की मात्रा और ये सिंगल ओ की मात्रा दिखाई देती है, तो कैसी संधि होती है भाई, यहाँ पे संधि होती है गुण संधि। इसी तरीके से निश्चल, निश्चल को क्या लिख सकते हैं, निधनचल, निधनचल लिख सकते हैं, संधि भाई साहब क्या हो जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे संधि विसर्ग होगी। क्यों होगी? क्योंकि तीनों आधाशा का विसर्ग में परिवर्तन, उड़ंकुरा का विसर्ग में परिवर्तन, यदि मन तप यश अध इस प्रकार का कोई भी शब्द है और उसमें ओ की मात्रा लगी हुई है, तो ऐसे का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। बातें समझ में आई? कह रहा सप्तर्षि में कौन सी संधि है, सप्त प्लस ऋषि, ये यहाँ से छोटा आ निकलेगा और यहाँ से री निकलेगा, दोनों को साथ पढ़ेंगे तो ए अर का आएगा प्रोनाउंसिएशन, जब अर का प्रोनाउंसिएशन आता है, तो अर का प्रोनाउंसिएशन किस संधि की पहचान बताता है, किस संधि की पहचान, गुड़ संधि की पहचान बताता है। बातें समझ में आ रही हैं? कह रहा है यद्यपि या रा लावा के पहले यदि आधा व्यंजन, यदि या रा लावा के पहले आधा व्यंजन आता है, आधा व्यंजन आता है, तो 90% आप लगा दीजिएगा यहाँ पे संधि कैसी होगी, यहाँ पे भाई संधि होगी यण। कैसे? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यदि धन आप, और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। लिखा है प्रत्येक, प्रत्येक की बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्रति
प्लस एक प्रति प्लस एक। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है संविधान, ये टूटेगा सम प्लस क्या टूटेगा विधान, और सम प्लस विधान बन गया संविधान, और सम में देखिए माँ आपका क्या है व्यंजन है, व्यंजन में टूट रहा है इसलिए संधि यहाँ पे कैसी हो जाएगी व्यंजन संधि। स्वेच्छा, स्वेच्छा का मतलब हो जाएगा क्या सु प्लस इच्छा, क्या हो जाएगा सु प्लस इच्छा, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई सु प्लस इच्छा हो जाएगा। इसी तरीके से संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा, ये हो जाएगा सम धन कृति, और सम धन कृति किसमें टूट रही है व्यंजन में, इसलिए यह संधि कैसी हो जाएगी भाई, इसलिए यह व्यंजन संधि। इसी तरीके से लिखा है अन्य अन्य, इसका हो जाएगा अन्य प्लस अन्य। अब जब अन्य प्लस से अन्यान्य बना रहा है तो बड़ा वाला मात्रा, बड़ा वाला मात्रा, बड़ी ई वाली मात्रा, बड़ा ऊ वाली मात्रा दीर्घ संधि को बताता है, संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। इसी तरीके से विद्यालय है, यह विद्यालय विद्या प्लस आलय से मिलकर के बना है, यहाँ से बड़ा, यहाँ से बड़ा निकलेगा, बड़ा आ बनाएगा, और बड़ा आ किसकी पहचान होती है भाई, बड़ा दीर्घ संधि की पहचान होती है। इसी तरीके से लिखा है हमने क्या स्वागत, स्वागत में क्या हो जाएगा सु प्लस आगत, सु प्लस आगत हो जाएगा। हमने आपको एक बात हमेशा बता रखा है, या रा लावा के पहले यदि कोई भी आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन होगा, वह संधि क्या होगी यण संधि। इसी तरीके से क्या हो जाएगा अन्वेषण, अन्वेषण को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अनुधन एषण हो जाएगा। तत्लीन की बात, तल्लीन की बात करेंगे तो तत् धन लीन। अब ये जो ता है, ये ता क्या है व्यंजन है, और जब व्यंजन है तो संधि कौन सी होगी भाई व्यंजन संधि। इसी तरीके से जगदीश की बात कह रहा है, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा जगत प्लस ईस, जगत प्लस ईस, और ता में क्या है व्यंजन टूट रहा है, इसलिए यह संधि क्या हो जाएगी व्यंजन संधि हो जाएगी। हरिश्चंद की बात करेंगे तो तीनों आधाशा का विसर्ग में परिवर्तन, इसका मतलब यह हरि प्लस क्या हो जाएगा चंद हो जाएगा, और संधि मेरे भाई कैसी हो जाएगी विसर्ग संधि। दुष्प्रकृति की बात करेंगे तो दुष्प्रकृति में दुह प्लस प्रकृति हो जाएगा, तीनों आधाशा का विसर्ग में परिवर्तन, संधि कौन सी विसर्ग संधि हो जाएगी। निष्काम की बात करेंगे, कोई भी आधाशा आएगा, कोई भी आधाशा आएगा, परिवर्तन किस में हो जाएगा भाई विसर्ग में हो जाएगा, ये आपकी संधि कैसी विसर्ग। मनोविज्ञान की बात करेंगे, ये हो जाएगा मना प्लस क्या विज्ञान, ये क्या हो जाएगा मना प्लस विज्ञान, और ये क्या हो जाएगा अधा प्लस क्या हो जाएगा अधा प्लस गति हो जाएगा, संधि कैसी हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी। कैसी संधि होगी भाई विसर्ग संधि होगी। कोई यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ, यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ, शॉर्ट वे में एक बार क्विक डिवीजन करते हैं, संधि क्या है तो संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, दो समीपवर्ती वर्ण से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी पांच प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयाधि संधि, वृद्धि संधि और आपका यण संधि। ये पांच तरीके की आपकी स्वर संधि होती है। इसी तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह जो आपकी संधि है, यह संधि में सबसे पहली बात दीर्घ संधि को ध्यान रखिएगा। दीर्घ संधि में जब बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा दिखाई दे तो वहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा कि संधि यहाँ पे दीर्घ है। इसी तरीके से गुण संधि की बात करेंगे, गुण संधि में ए की एक मात्रा और आपकी ओ की उखली वाली मात्रा और अर का कॉन्सेप्ट, ये तीन कॉन्सेप्ट यदि कहीं पे दिखाई देते हैं आप संधि क्या लगाएंगे गुण संधि लगाएंगे। बातें समझ में आई। वृद्धि संधि की बात करेंगे, वृद्धि संधि आपको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे, वृद्धि संधि आप वहाँ लगाते हैं जहाँ पे एणी का, जो एणी का डबल मात्रा है और जो औरत वाला डबल मात्रा है, कहने का मतलब है जो सिंगल चुनाई गुण संधि का है उसी का डबल चुनाई क्या हो जाएगी वृद्धि संधि हो जाएगी। बातें समझ में आ रही है। इसी तरीके से यण संधि की बात करेंगे, यण संधि क्या होती है, यण संधि यदि या रा लावा के पहले आधा व्यंजन आता है उस दौरान आपकी 90% से ज़्यादा भी चांसेज होते हैं, किसके किसके चांस होते हैं यण संधि के चांस होते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी तरीके से अयाधि संधि की बात करेंगे, अयाधि संधि क्या होती है, जहाँ पर अयाधि संधि जैसे ए आए औ आव का यदि कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी आप शब्द को पढ़ें, शब्द को पढ़ने के पश्चात यदि ए आए औ आव आता है, इस प्रकार की संधि को अयाधि संधि कहते हैं। व्यंजन संधि जहाँ पे व्यंजन में टूटता है, ज़्यादातर क्या होता है आप व्यंजन ऐसे समझिएगा, व्यंजन को तोड़ने पर उसमें हलंत का रूप लगा होता है, हलंत लगा होता है, और आप ऐसे समझ जाइएगा इस प्रकार की संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। जबकि जो विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि में दो तीन बातें आप लोग क्या याद रखेंगे, विसर्ग संधि में भाई साहब दो तीन बातें आप लोग यह याद रखेंगे कि किसको किसको आप विसर्ग संधि बोलेंगे, विसर्ग संधि किसको बोलेंगे। एक विसर्ग संधि की बात करेंगे, जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया,
कह रहा उड़ंकूरा, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके का कॉन्सेप्ट लिखा हो, निर्धन लिखा हो, निर्दय लिखा हो, इसी तरीके से निर्भय लिखा हो, निर्भय लिखा हो, ये आपके जो ये रेफ रा उड़ंकू रा लगा हुआ है इसका विसर्ग में परिवर्तन होता है, इसका विसर्ग में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा नी प्लस धन। कहने का मतलब वही जो विसर्ग है, वही जो आपका रा है, उड़ंकू रा है, वही विसर्ग बन जाएगा। ये हो जाएगा नी प्लस दय हो जाएगा, ये नी प्लस क्या हो जाएगा, भय हो जाएगा। मतलब क्या है, उड़ंकू रा का विसर्ग में परिवर्तन। इसी तरीके से याद रखेंगे ये जो तीनों आधा सा आता है, इन तीनों आधा सा कहीं पर भी आएगा तो उसका हमेशा विसर्ग बना लीजिएगा। कैसे, जैसे हमने कहा निष्काम, जैसे हमने कहा निष्काम, तो इसका संधि विच्छेद निधन क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसी तरीके से हमने कहा पुरस्कार, तो हो जाएगा पूरा धनकार, ये पुरस्कार हो जाएगा। मतलब तीनों आधा सा का विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। नोटपात में एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, यदि कोई भी एक शब्द आपका अध लिखा हो, मन लिखा हो, तप लिखा हो, यश लिखा हो, यश लिखा हो, अध हो गया, तप हो गया, सर लिखा हो, सर लिखा हो, कहने का मतलब यह है कि अगर इस तरीके का कोई भी शब्द लगा लिखा हो और उस पर ओ की मात्रा लगी हो, ए वाली ओ की मात्रा लगी हो, जैसे लिख दिया मनोबल, हमने लिख दिया मनोबल, तो हो जाएगा मनह प्लस क्या, बल, ये हो जाएगा मनह प्लस बल। इसी तरीके से हमने जैसे लिख दिया यशोदा, यशोदा लिख दिया तो हो जाएगा यशाधन दा। जैसे हमने लिख दिया सरोज, सरोज को हम लिख दिए सराह धन जा। कहने का मतलब इन इस तरीके का यदि कोई भी शब्द लिखा होगा और उस पर ओ की मात्रा लगी होगी, ओ की मात्रा लगी होगी, तो उसका भी विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। बातें समझ में आई भाई। यह रहा आपका संधि का प्रैक्टिस नंबर दो। प्रैक्टिस एक की संधि, प्रैक्टिस दो की संधि में हमने शॉर्ट वे में आपको पूरी संधि पढ़ाने का कवर किया है। आपके एग्ज़ाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने ही कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है, इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आपकी संधि के किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जा पाएगा, सारे क्वेश्चन आप लगा पाएंगे अच्छे से। अगर आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको यार खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या किसी भी टॉपिक विशेष पर कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।